सहारा मैरिज हॉल मुमरा का शानदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वीआईपी लाउंज के साथ एम्पल ऑफ पार्किंग, डेस्टिनेशन वेडिंग कॉटेज, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। वेरियस डिस्काउंट ऑफर, जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मैरिज हॉल विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जो आपके बजट में, सहारा मैरिज हॉल। पर गंदा पानी इतनी ज्यादा तौर पर जा रहा है, इतनी ज्यादा तादाद में जा रहा है कि शाम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही मतलब गंदगी का मतलब पूरा गंदा पास आते रहता है। मैयत जा रही है या फिर कोई नमाज जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, प्रशासन है कि मतलब बोलते हैं एकदम चुप, गुंगा बहरा हो चुका है। पानी का ठेकेदार है वो, उसने यहाँ पे 12,40,000 का काम लिया लेकिन काम कुछ भी नहीं किया उसने। तो कुछ स्थानीय लोग ही है जो उन लोग को काम नहीं करने देते ठीक से। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो उनको रोका टोका तो जाएगा ना। पीने का पानी आ रहा था लेकिन नाले का और गटर का दोनों का मिक्सिंग पानी था वो। 2012 में नाला गटर बना है, जब से अभी तक गटर का काम ही नहीं हुआ कुछ भी। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस समय मौजूद हैं मुमरा के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नगर में, और आपको बता दें कि यहाँ पर एक जो है ये गटर जो देख रहे हैं, दरअसल इस गटर से गंदा पानी निकलने की वजह से रास्ते पर बह रहा है और आने जाने वाले लोगों को तकलीफ़ हो रही है। यहाँ तक कि इसमें से यहाँ से जो मैयत लेकर लोग जाते हैं या नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं उनको इसी गटर के पानी से होकर गंदे पानी से जाना पड़ता है। कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, इन्हीं लोगों से बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीकांत यादव है। मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों से ये पानी बह रहा है, पहले यहाँ पर जो है पीने का पानी जो था वो बह रहा था, अभी गटर का पानी बह रहा है, क्या वजह क्या है, बंद नहीं हो रहा है? वजह ये है कि बहुत बार हमने प्रशासन ने इसके लिए हम लोग ने मतलब इसका ये किया है, फॉलोअप लिया हम लोग ने, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब अच्छे से काम नहीं किया कर रहे लोग। और उसके बाद जो पहला पानी बहता था, अभी पानी के साथ साथ इसमें गंदा पानी भी जा रहा है और गंदा पानी इतनी ज़्यादा तौर पर जा रहा है, इतनी ज़्यादा तादाद में जा रहा है कि शाम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही मतलब गंदगी का मतलब पूरा गंदा पास आते रहता है। उसमें से मैयत जा रही है या फिर कोई नमाज जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, और बहुत बार तो यहाँ पे पानी लोगों के बदन पे उड़ के, गाड़ियों से जो गाड़ियाँ जो स्पीड में जाती है तो उड़ के यहाँ पे झगड़े का माहौल भी तैयार हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई लोग ध्यान नहीं दे रहे और प्रशासन है कि मतलब बोलते हैं एकदम चुप, गुंगा बहरा हो चुका है। और जिस टाइम पे हम लोग ने यहाँ पे मतलब ये जो हमारी तकलीफ बताई थी, तो ये जयसिंह राजपुरोहित करके है कोई पानी का ठेकेदार है वो, उसने यहाँ पे 12,40,000 का काम लिया लेकिन काम कुछ भी नहीं किया उसने। कुछ जगह जगह पे खड्डे किए, जगह जगह पे खड्डे करके उसने वहाँ का सॉल्यूशन करने का देखा लेकिन वो कुछ भी नहीं किया। उस दिन हमने उसको कॉल किए तो बोलता है मेरा काम नहीं, आप अधिकारी को बताओ। तो आप क्या सिर्फ मतलब यहाँ पे एक निधि पास करने के लिए आ रहे हो? अगर 12,40,000 का जब उसने काम किया तो उसने क्या काम किया, ये पानी क्यों बंद नहीं हो रहा है? हम लोग की सिर्फ यही गुजारिश है हाथ जोड़ के प्रशासन, ये गटर चालू है ना? नहीं गटर चालू नहीं है, यहाँ पे आके लॉक हो चुका है। तो यहाँ पे जो यहाँ का जो गटर है नाला, ये भी कई सालों से साफ किया नहीं है, तो यहाँ का जो पानी आके यहाँ पे लीकेज होता है, यहाँ पे जमा होता है और यहाँ से गंदा पानी बाहर आता है। यहाँ के लोग बहुत परेशान है और प्रशासन यहाँ पे, महापालिका यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, ना महापालिका के अधिकारी ध्यान दे रही है। आप लोगों ने जो यहाँ के चार चार जनप्रतिनिधि हैं, चार चार लोग हैं, उन लोगों से शिकायत नहीं? उन लोगों से शिकायत तो बहुत बार, उसका मैं आपको बात बताता हूँ। उनसे शिकायत करने का मतलब ये है कि 2022 में वो अपने पद से उतर चुके हैं, उनके पास कोई मतलब अधिकार नहीं है, जो भी अधिकार है महापालिका के पास है। अभी जो कि आप बोलेंगे तो काम तो करवाते हैं ना, अभी भी जो लोग हैं वो तो काम करवा ही रहे ना। उन्होंने बताया, उन्होंने किए, उन्होंने उसके बाद में लोगों को अधिकारियों से भी उन्होंने बात किए, चारों नगर सेवकों ने अधिकारियों से बात किए, उसने कोशिश भी करे, लेकिन जो ठेकेदार आ रहा है, जो निधि यहाँ पे पास कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है? हम उसको जब बुलाते वो क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब लोग काम करने के लिए आते हैं तो कुछ स्थानीय लोग ही है जो उन लोग को काम नहीं करने देते ठीक से, अड़चन करते हैं उनको। नहीं अड़चन की बात ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत फहमी है और ये गलत लोगों के पास मैसेज पहुंचा रहा है कि यहाँ पे अड़चन करते, ऐसा कुछ नहीं है। वो आने के बाद जब हमको उनको पूछते हैं कि आप क्या करने वाले और इसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है खोदने के बाद आप क्या करने वाले, बोलते नहीं वो हम लोग बाद में देखेंगे कैसा है क्या है, पहले आधी जगह पे खोद रहे। उनको मालूम रहने के बावजूद अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो उनको रोका टोका तो जाएगा ना। क्यों नहीं रोका जाएगा? क्योंकि जब
उसका हल नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है स्थानिक लोग तो उसको रोकेंगे टोकेंगे। पहले आपको काम करने देना चाहिए, काम कर रहे हैं वो लोग तो बाद में फिर देखिए अगर वो नहीं होता है फिर तो आप विरोध करो ना। अब वो पहले ही काम रोका देंगे आप लोग तो कैसे? नहीं नहीं देखिए आपने बोले कि पहला काम करने देना चाहिए तो हम लोग ने उनको काम करने दिए, काम करने के बावजूद अगर ये नहीं हुआ तो इसके लिए आज हमको आपको यहाँ पे बुलाना पड़ रहा है। पास हुआ था वो पानी बंद होने के लिए पास हुआ था ना, ये पानी निकल रहा है इस कारण पास हुआ था। अभी वो पानी निकलना बंद ही नहीं हुआ तो फिर निधि काय की वजह से तुमने पास किए? अब जो काम किए बजट पास किए सब पैसा लेके हो गया अभी फिर भी पानी निकल रहा है। पहले वो पीने का पानी का जो पाइपलाइन गया था उसमें से आ रहा था? नहीं नहीं उसमें से नहीं, वो दोनों मिक्सिंग हो रहा था, पीने का पानी आ रहा था लेकिन नाले का और गटर का दोनों का मिक्सिंग पानी था। वो तोरण ने जो गटर का नाला ये फोड़ेला है ना उसमें जो लीकेज मारा ना ऊपर छोटा रोड होने की वजह से ना जो बाजू की पर्दी है ना नाले की वो नाले की पर्दी फूट गई लिए। अरे लोग को ये लोग इधर ही काम कर रहे ये नाले के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। 2012 में नाला गटर बना है जब से अभी तक गटर का काम ही नहीं हुआ कुछ भी। ये सामने वाला गटर है ये उधर से ऊपर अंबेडकर नगर ऊपर तक है किसने कुछ काम नहीं करा है। अरे उसमें से वो गंदा पानी गटर का ये साइड से हम बोल रहे हैं म्युनिसिपैलिटी को तो सुन रहे ही नहीं अधिकारी लोग। वो अपना कुछ भी कर रहे फाइल पास कर रहे और किसको पैसा बांट रहे अधिकारी लोग मालूम नहीं इधर के कोई लोग है उन लोग को। मैं तो ये भी सुना हूँ कि कोई अधिकारी यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, कोई राजी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ के कुछ लोग हैं जो काम नहीं करने दे रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर से बार बार पैसे मांगते हैं 2000 दो 1000 दो 3000 दो तो इस वजह से कोई काम करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। सही बात है ये जैसा भी कॉन्ट्रैक्टर ये बात गलत है क्योंकि कैसा मैंने हर कोई अपनी रोटी सेकने के लिए किसी के ना किसी के ऊपर मतलब ब्लेम करते रहता है तो अगर जिन्होंने जो पैसा लिया तो वो आके सामने बोले कि बाबा ये बंदे ने पैसा लिया है पैसा लिए तो बोले हम लोग खड़े लोगों का हमारी जवाबदारी लोगों का नाम खराब करके काम बनने वाला है नहीं है कि बाबा इन्होंने किया कि यहाँ के स्थानीय लोग मतलब यहाँ पे अगर 1000 घर है तो 1000 घर तो उनको नहीं रोक रहे ना। कुछ लोग ऐसा बताया जा रहा है सभी को कोई नहीं कह रहा है कुछ लोग हमारे सामने बोलना चाहिए। अगर उन्होंने आके नाम बताया कि बाबा ये फलाना फलाना इंसान है जो हमको काम करने नहीं दे रहा है पट्टी काम करेंगे तो हम लोग रोकेंगे वो लोग भी रोके रहेंगे ये हिसाब से वो लोग बोलते रहेंगे लोग को पैसा खाने नहीं मिल रहा है तो जो काम करने का था मतलब जो ये लोग बता रहे हैं इधर उधर से जो भी जानकारी ये मतलब कितनी सच्चाई इसमें ये सब झूठ है क्योंकि देखिए ये हमारा घर है हम यहाँ पे रहते हैं यहाँ पे हर चीज़ में सुख दुख में हम लोग के यहाँ के स्थानीय लोग ही यहाँ पे रहते तो अगर जो चीज़ गलत हो रही है तो उसको रोकना मतलब उसका मतलब ये निकाला नहीं जाना चाहिए कि कोई का पैसे के लिए रोका रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब झूठी ढकोटली बातें ये। तो अभी आप लोग कैसे इसको काम करा के लेंगे क्योंकि जब आप लोग कह रहे हैं कि मनपा जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं चार लोग हैं उन लोगों से भी आप लोग शिकायत कर चुके हैं उसके बावजूद नहीं हो रहा है जो मनपा अधिकारी उनसे भी बता चुके हैं तो कर क्यों नहीं रहे आखिर क्या वजह है? जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग क्यों नहीं आपकी बात सुन रहे हैं मनपा अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं क्या वजह है? जनप्रतिनिधि की बात है तो अगर लीगली लॉ के हिसाब से देखा जाए तो 2022 में उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वो हालांकि समाप्त हो गया है लेकिन फिर भी लोग करके दे रहे हैं ना काम वो कर रहे हैं उनको निधि आ रही है ना खासदार की तरफ से निधि आ रही है मनपा जो है आमदार की तरफ से निधि आ रही है काम तो करके दे रहे हैं ना वो करोड़ों रुपये की निधि आ रही है आ रही कि नहीं आ रही आ रही है ना मेरे इतने ख्यालों में है नहीं कुछ इतना लेकिन हम लोग हमारा शिष्टमंडल कमिश्नर साहब अभिजीत बागर को हम लोग सब मिलने वाले हैं हफ्ते में उसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ मिलके क्या क्या बात करेंगे मिलके क्या बात रखेंगे पता है कि सभी कैसा हमारा एरिया का हाल है इसके बारे में हम दिखाएंगे ना क्या हो रहा है क्या नहीं। रोड पर तो पानी भर रहा है सब 24 घंटा पानी भर रहा है उसके बाजू में बाथरूम देखो इधर अम्बेडकर वाचनालय है बुद्धवार का ये लगे ले उसका हालत देखो सभी मुद्दों को लेकर आप ये हफ्ते में हम लोग शिष्टमंडल अभिजीत बागर साहब को म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर को हम मिलने वाले हैं ये हफ्ते में। और कुछ कहना नहीं कुछ नहीं मेरा काम मेरा कहना सिर्फ एक ही है कि प्रशासन के अधिकारी कि जैसा मतलब जो गटर का जो मसला है ये जो अभी गटर का गंदा पानी आ रहा है तो ये गटर को साफ किया जाए उसके बाद में मेरा ख्याल से ये जो मसला हल हो सकता है। मैं आपको जैसे बताता हूँ कि ये जो चीज़ है आप इतना जो लाखों रुपया खर्चा कर रहे हो लाखों निधि 10 लाख 12 लाख जो खर्चा रहे उससे अच्छा यहाँ पे एक यहाँ से अगर आप फोड़ के ये तोड़ के ये यहाँ पे नाला यहाँ पे बंद हो चुका है ये इसका एंड है अगर यहाँ से आप निकाल के एक पाइप डाल के अगर वो नाले में डाल देते हो तो ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। ज़्यादा निधि की भी जरूरत नहीं है कुछ नहीं है बस अगर ईमान एक बार से अगर काम करते हो तो ये मसला हल हो जाएगा। गटर का पानी आ रहा है तो बोलो ये गटर का काम होना चाहिए 2012 में बने लाए जब से 10 साल से अभी तक ये गटर बना ही नहीं 10-12 साल से। तो आपने सुना कि ये स्थानीय लोग हैं और इनका कहना है कि हालांकि यहाँ पर गंदा जो गटर का पानी है वो वाकई में रोड पर बहकर आ रहा है और आने जाने वाले लोगों को तकलीफ़ भी हो रही है
और इनका कहना है कि ये पूरे इस मामले को लेकर जो यहाँ पर शौचालय है उसकी भी हालत जो है काफ़ी बुरी है, रास्ते पे गंदा पानी बह रहा है, नहीं मनपा अधिकारी जो है इनकी कोई सुनवाई कर रहे हैं, तो इस सभी मामले को लेकर वो जो है मनपा के कमिश्नर अभिजीत बांगर से वो मुलाकात करेंगे और अपने सारे मसलों को उन्हें बताएंगे।